सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू की रेसिपी। इसे मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो छोटे साइज के आलू लिए हैं। इसे मैंने 2 सीटी आने तक उबाल लिया है। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं बॉईल करना है, बस 70-80% तक ही बॉईल करना है। अब हम इसे प्रिक कर लेंगे इस तरह से। ऐसा करने से जो आपके मसाले हैं वो अंदर तक जाएंगे। सारे आलू को मैंने अच्छे से प्रिक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है ये पैन, इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये सरसों का तेल 3 टेबलस्पून। आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। सरसों का तेल स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप इसे धुआं निकलने तक गरम करें। अब हम इसमें हमारे आलू ऐड कर लेंगे। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम आलू को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आलूओं को मैंने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं अब डालूंगी 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, और इसे हम धुआं निकलने तक अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 10 से 12 काजू और 2 साबुत लाल मिर्च। अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने रखा है मीडियम पे, और अब हम इसे प्याज को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। ये हल्के से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर टमाटर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे, और फिर हम इसे मिक्सिंग जार में डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 2 हरी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। अब हम इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। खड़े मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो पे, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ऐसा करने से जो आपकी ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का और काजू का पेस्ट।
और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ऑयल छोड़ने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है इसलिए मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून पानी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से भुना जाए। सारे मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी और 1/2 कप पानी बिकॉज मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही थी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉयल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राइड किए हुए आलू। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड ओपन कर लेंगे। दम आलू की रेसिपी बनकर हमारी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे।